मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगले हफ्ते झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और वायनाड समेत जिन सीटों पर होना है उपचुनाव, उनकी तारीखों की घोषणा भी कर सकता है केंद्रीय चुनाव आयोग। दो राज्यों में विधानसभा चुनावों के बिगुल बजने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक है महाराष्ट्र और दूसरा है झारखंड। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों समेत जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनकी तारीख और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख भी घोषित की जा सकती है। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीते थे, जिनमें राहुल ने वायनाड सीट छोड़ दी थी। सूत्रों के मुताबिक मुमकिन है कि झारखंड और महाराष्ट्र समेत जिन विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो उन सभी की मतगणना एक साथ करवा दी जाए। जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव की जुबा पर आया नीतीश का नाम। जवाब में जेडीयू ने अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव को नीतीश याद आए इस हंगामे की वजह से। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ में आज बड़ा सियासी बवाल हुआ। अखिलेश जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन के म्यूजियम में जाकर जेपी जयंती मनाना चाहते थे, लेकिन सरकार की सख्ती के बीच ऐसा नहीं हो पाया। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। अखिलेश यादव का नीतीश कुमार को समर्थन वापसी की राय देना जेडीयू को बड़ा नागवार गुजरा। जेडीयू ने भी अखिलेश को सलाह देने में देर नहीं की। उनके पिताजी को और नीतीश कुमार को जिस सरकार ने जेल में बंद रखा, अखिलेश जी को उस कांग्रेस पार्टी से अपने रिश्ते समाप्त करने चाहिए। असल में यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लिहाजा अखिलेश यादव शक्ति प्रदर्शन का कोई भी मौका नहीं चूक रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।